कुछ तो मुझे दौड़ दौड़ के जाना पड़ रहा है क्योंकि ऊपर से ना पत्थर आ रहा है। ये देखो मेरे कैमरामैन की हालत कैसी होगी। उस जरूर से कमजोर होते हैं हम। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं मॉर्निंग के 9 बजे से। तो आज ना गांव का मौसम बहुत ज़्यादा खराब हो रखा है, ऊपर से ना काले काले बादल हो रखे हैं और धूप का ना नाम ही नहीं है। तो आजकल ना हम लोग घास काट रहे थे लेकिन आज हमारा घास काटना बंद हो गया क्योंकि मौसम ऐसा हो रखा है। तो हम लोग घास नहीं काट सकते क्योंकि उस घास को ना सुखाना पड़ता है। अगर हम लोग इसी मौसम में काटेंगे तो घास ना सड़ जाएगी। तो अभी मैं तैयार होकर जा रही हूँ मायके क्योंकि ना आज से पितृ श्राद्ध स्टार्ट हो गए हैं। तो आज मेरे मायके में भी ना मेरी आमा के श्राद्ध हैं। तो सुबह सुबह निमंत्रण आया था तो पहले तो मैंने सोचा धूप आएगी तो मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन अब ऐसा मौसम हो रखा है तो चले जाती हूँ एक चक्कर। और नम्मू और उसकी दादी वहाँ पर से बाय नमन बाय। और आज मेरे दादा भी चले गए हैं जेठानी जी को लेने के लिए उनके मायके। तो आज ना मिष्टी भी आ जाएगी तो हम लोग भी जाके आते हैं एक चक्कर। और हम लोग ना वहाँ से जल्दी आने की कोशिश भी करेंगे क्योंकि ना घर पे नमन और मम्मी है और नमन ना कुछ काम भी नहीं करने देता है। मुझे पता है ना कि अकेले जब मैं नमन के साथ रहती हूँ तो घर के कुछ भी काम नहीं करने देता है। ओहो गोल्डी आ गया मम्मी। तो यहाँ पे ना गोल्डी भी आ गया है, अब इसको पहले अंदर भगा के आते हैं। और अभी मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ अपने हस्बैंड जी का क्योंकि ना वो पेट्रोल भरवाने के लिए गए हैं और स्कूटी में ना पेट्रोल ही खत्म होने को था। हम लोग भराड़ी भी नहीं पहुँच सकते थे इसलिए मेरे हस्बैंड जी यहीं से भरवा रहे हैं। आज मैं बहुत दिनों के बाद मार्केट की ओर जा रही हूँ और अभी मैं उस जगह पे पहुँच गई हूँ जहाँ पर से ना परसों रोड ब्लॉक हुई थी। अभी भी खुली नहीं है लेकिन हल्की हल्की ना टेम्परेरी खोली है। तो दोस्तों सामने वाली पहाड़ी ना पूरी टूट के नीचे आई हुई है और देखो पूरा बजरी बजरी हो रखा है और मुझे ना इसको देख के बहुत ज्यादा डर भी लग रहा है। जो बाहर के लोग थे ना उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी यहाँ से आने में। तो लोग ना ऊपर वाले रास्ते से आ रहे थे, यहाँ से घूम के यहाँ पे आ रहे थे। यहाँ पे ना तो दोस्तों मुझे दौड़ दौड़ के जाना पड़ रहा है क्योंकि ऊपर से ना पत्थर आ रहा है क्योंकि स्कूटी भी फंसने वाले हो रखी है और ऊपर से ना बजरी भी आ रहा है और रास्ता तो बहुत ज्यादा गंदा हो रखा है। तो मुझे तो आज भी डर लग रही है लेकिन परसों से जो लोग यहाँ रुक रहे होंगे ना तो उनको भी बहुत ज्यादा डर लग रही होगी। हाय ये देखो रास्ता ऐसा हो रखा है, चप्पल भी फंस जा रहे हैं, दलदल हो रखी है ना, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खतरा है यार। तो सामने पे ना मेरे हस्बैंड जी भी आ गए हैं और ऊपर से देखो पूरा टूट रखा है यार। डेंजर वाला रास्ता हम लोगों ने पार कर लिया है, अब चलते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं कपकोट और जाने लगी हूँ मैं अपने मायके की ओर। पानी मैंने सुबह डर गई और हम लोग ना फटाफट खाना खा के निकल जाएंगे क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है, उसके बाद रोड ब्लॉक होने का खतरा हो सकता है, इसलिए हम लोग पहले चल जाएंगे। मेरे ससुराल में तो सारे धान कट गए हैं लेकिन ना मेरे मायके में अभी भी धान नहीं कटे हैं क्योंकि यहाँ ना अच्छे से होने देते हैं। ससुराल में क्या होता है बंदर के डर से ना जल्दी काट लेते हैं। तो यहाँ भी मस्त खेती हो रखी है, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। मायके में थोड़ा सा बैठने के बाद अब मैं जा रही हूँ श्राद्ध वाले घर में और श्राद्ध ना मेरी ताई जी के घर में है। तो सामने पे है मेरे ताई जी का घर तो हम लोग को ना वहीं जाना है, अब चलते हैं फटाफट से। आजकल ना मेरे मायके में धान कटाई चल रही है तो सभी लोग खेतों में ही दिख रहे हैं। हम लोग पहुंच गए हैं ताई जी के घर में और अभी ना मैं आई हूँ हैंड वॉश के लिए। तो रास्ते में यहाँ पे पानी आ रहा है तो मैं फटाफट से ना हैंड वॉश कर लेती हूँ और खाना वगैरह भी खा लेती हूँ। खाना वगैरह खाने के बाद अब मैं फिर से अपने मायके में जा रही हूँ। वैसे तो वो भी मेरा मायका ही है लेकिन मैं अपने मायके वाले घर में जा रही हूँ। उसके बाद हम लोग ना यहाँ से जाने की तैयारी भी करते हैं क्योंकि मौसम अभी तक ना बंद ही बंद वाला है और ना वहाँ पे मैं ज़्यादा लोग आप लोगों से किसी से नहीं मिला पाए क्योंकि सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। ऐसे होते ना जब घर पर काम होता है तो सब लोग मेहमान वगैरह के साथ ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, इसलिए मैं किसी के साथ नहीं मिला पाई। बाकी अब चलते हैं, अब जब दद्दा की शादी होगी ना तब मिलाऊंगी आप लोग को सबसे। चलिए दोस्तों मायके से मेरी विदाई भी होगी है और आज ना मैं 2 घंटे के लिए आई थी, फिर जा रही हूँ तो थोड़ा बहुत अच्छा भी लग रहा है। और आज मैं दोरा ही आई थी, मतलब उसी टाइम आना उसी टाइम जाना, उसको दोरा कहते हैं। तो परसों मैं बस से आई थी, आज दोरा आई हूँ, अगली बार पूरे 1 महीने के लिए। अगली बार प्लेन से आएगी, परसों बस से आई थी। आज हम लोग को छोड़ने के लिए आई है खुशी और आज ना खुशी से भी नहीं मिला पाई क्योंकि सब लोग जल्दी में हैं और ना लोग मुझे ऐसा बोल रहे थे और दिन नम्मू होता था तो तेरी मम्मी तेरे को रोड में तक छोड़ने के लिए आती थी और आज नहीं आ रही है। मैं बोल तो रहा हूँ ना, नाती होने के बाद सब मुंह माया नाती में जाती है, बेटी को भूल जाते हैं खत्म। पहले तो शादी के बाद जमाई पे जाती है, फिर इसके बाद नाती पोते पे जाती है, बेटी को कोई पूछता ही नहीं। ऐसा करते नहीं है, हो जाता है। और आज तो घर पे काम था तो मैंने मम्मी को मना किया कि मत आ करके, और सामान वगैरह भी कुछ नहीं था तो मैंने बोला खुशी आ जाएगी तो खुशी आ गई है। चल खुशी बाय।
बाय बाय। मायके से घर जाते टाइम पे भी मुझे उस रास्ते में पैदल जाना पड़ रहा है जहाँ पे सुबह ना मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था कि पत्थर आ रहे करके, और अभी ना कोई बाइक वाले बता रहे थे कि उनके सामने से ही पत्थर आया, और अभी मैं दौड़ भी नहीं सकती क्योंकि मेरे पास ना इतना बड़ा बैग है। यहाँ पे सिर्फ बाइक वालों को ही पैदल नहीं आना पड़ रहा, जो गाड़ी में है ना उनको भी पैदल आना पड़ रहा है। तो सामने से लोग ना पैदल आ रहे हैं और गाड़ी में सिर्फ ना ड्राइवर ही है, और ये ना ड्राइवरों के लिए भी बहुत ज़्यादा मतलब खतरनाक हो रहा है। मैं तो दौड़ते दौड़ते ना हाँफने लगी थी यार, तूने देखा मुझे दौड़ते हुए। दोस्तों घर के नज़दीक पहुँचने वाले हैं, आपने भूमि चला रही है स्कूटी? क्योंकि कब से नहीं चलाई है ना, शौक जैसी लगती है। बैठूँ? पक्का बैठूँ? कब से चला रखी है? जब परसों तो चलाई थी। और मेरी ड्राइव कैसी लग रही? तो सीख जाए यार, मैं उसे भी परेशान हो जाऊंगा गाड़ी चलाते। गाइस देखो लड़कियों का ब्रेक, पैर वाला ब्रेक लड़कियों का पैर वाला ब्रेक, इनको हाथ में भरोसा नहीं आता है। पूरा घुमा ना हैंडल, हैंडल पूरा घुमा कराऊं। बस 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 कैसे करते हैं, मैं भूल गई। किसी को लेना मुखी पापा, मैं तो भूल गई। बताओ यार माँ का सब भूल गई, बताओ ना क्या है। तुम मेरा मजाक बना रहे ना। चलिए दोस्तों हम लोग घर तो पहुंच गए हैं, और आज हमारे ना घर में बहुत बड़ा सरप्राइज है, वो है मेरी जेठानी जी और हमारी छोटी सी महकू आ गए हैं। तो अभी तो शायद वो लोग आराम कर रहे होंगे, तो बाद में मिलेंगे उनसे, पहले हम लोग चलते हैं। नमन क्या कर रहा देख। और आजकल ना मैं कहीं भी जाती हूँ ना मेरा मन नहीं लगता है, मैं सोचती हूँ नमन क्या जो कर रहा होगा, क्या जो कर रहा होगा। अभी हम लोग आ गए हैं अपने घर के दूसरी साइड को, और ना घर पे नमन सोया हुआ था तो हम लोग ने कुछ भी व्लॉग शूट नहीं किया, तो अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे शॉर्ट वीडियो शूट करने के लिए। तो दोस्तों आप लोग ना हमारी शॉर्ट वीडियो को खूब ज्यादा प्यार दे रहे हो, तो उसके लिए धन्यवाद दिल से। अगर आप लोगों में से किसी ने ना हमारा शॉर्ट्स वीडियो नहीं देखा है तो मयंक भूमि शॉर्ट्स करके हमारी एक नई आईडी है यूट्यूब पे, तो आप लोग वहाँ पे जाके ना हमारे शॉर्ट्स वीडियो देख सकते हो, और साथ ही साथ ना शॉर्ट वीडियो को ना आप लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी देख सकते हो। हम लोग की वीडियो शूट हो गई है और हम लोग जाने लग गए अब घर को, और ना दोस्तों अब हल्की हल्की सी धूप आ रही है, तो आज तो हम लोग का घास काटना हो नहीं पाया, और ना जेठानी जी लोग से भी आप लोग नहीं मिला पाई क्योंकि वो लोग ना अभी आराम कर रहे थे, जब उठ जाएंगे तब मिलाऊंगी। जब हम लोग वीडियो शूट कर रहे थे ना तो गाड़ी वाले जाते हुए सोच रहे थे पागल तो नहीं है ना। दोस्तों आज ना मेरी सासू माँ की भी तबीयत खराब हुई है, हल्का सा ना जुकाम भी और गले में भी दर्द हो रही है, तो अभी मैं जा रही हूँ गाय को घास डालने के लिए। और देखो गाँव में ना पराल का लूटा भी लगा दिया लोगों ने, हमारा तो वहाँ पे जमा है लेकिन लोगों ने लगा दिया, देखो ऐसे लगता है। तो हमारे यहाँ ना ऐसी लूटे बनाते हैं लोग, गज्जों का भी मतलब सूखी घास का भी, और पराल जो धान का होता है ना उसका भी। मैं गौशाला में भी पहुँच गई हूँ, और सबसे पहले मैं ना अपने गाय को पानी दे रही हूँ, तो गाय ना सामने पानी पी रही है, उसके बाद मैं दूंगी इसको हरी घास का चारा। और ना हम लोग अभी गाय के बच्चों को नहीं देते हैं पानी, बोलते हैं कि अभी इसे पानी देके ना वो फचा फचा हो जाती है, मतलब उसका पेट वगैरह बाहर आ जाता होगा, इसलिए हम लोग अभी ना उसे पानी नहीं देते हैं, और कभी कभी मट्ठा वगैरह भी देते हैं, और दूध तो वो पीती ही है। और हमारी गौरी भी ना बड़ी बड़ी हो रही है, अब तो ये आवाज़ करती है। दोस्तों हम लोग के धान तो हो गए थे, और हम लोग ने ना धान वगैरह का सारा काम भी कर लिया था, लेकिन जो ये तिल के पौधे हैं ना ये अभी भी हरे हैं, और इनके जो बीज होते हैं ना अच्छे से पके भी नहीं है, ये है उनके बीज। और तिल वगैरह तो आप लोग को पता है पूजा पाठ में बहुत ज्यादा काम आते हैं। घीशे ज्यादा मैं बाबू का प्यार होता है, उसे मोटा होना चाहिए तुम लोग। हम लोग का रात का खाना भी बन गया है, और अभी ना हम लोग सबसे पहले खिला रहे बच्चों को, उसके बाद बड़ों को खिलाएंगे। तो हमारी महक भी ना उठ चुकी है, आगे से क्या था ना वो सोई हुई थी तो अभी उठ गई है, और मैं तो उससे ना बहुत दिनों बाद मिल गई हूँ, और अभी आप लोगों को भी मिलाती हूँ, तो चलिए चलते हैं। और आजकल ना हम लोग आग वाले किचन में खाते हैं क्योंकि बाहर ना बहुत ज्यादा ठंडा होने लग गया है। ये देखो मेरे कैमरामैन की हालत कैसी होगी ठंडा हैं? वायरल फीवर शायद बुखार आएगा। वायरल फीवर नहीं है ये, इनको गैस चढ़ेगी क्योंकि आज इन्होंने थोड़ा बहुत ऑयली खाना खा लिया ना। मैं बच्चों का खाना लेके आ गई हूँ आग वाले किचन में, और ये रही हमारी महकू, और इन दोनों का ना झगड़ा चल रहा है झगड़ा। हेलो गाइस कर दो, हेलो कैसे हो गाइस, नमो करेगा हेलो। चाचू को भी देखो, चाचू को तो अभी देख रही है ना ये, आगे से मैंने इसको इतना नचाया है ना आज तो, बहुत नाची आज तो मेरे साथ डांस करना सीखा इसने।